उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पर ये कैसी हरकतें हो रही? कश्मीर के बाद उत्तराखंड से क्यों आने लगी पत्थरबाजी की खबरें? लगातार 11वीं बार नेपाल की तरफ से पथराव, भारत में गुस्सा। ये जो भी हो रहा उसे अब बर्दाश्त करना मुश्किल है। ये नजारा उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर का है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे भारतीय लोगों में गुस्सा है। नेपाल की तरफ से बार बार पत्थरबाजी हो रही है। बॉर्डर के इस पार रह रहे उत्तराखंड के लोग बार बार चोटिल हो रहे हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जिन्हें काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है। ये लगातार 11वीं बार है जब नेपाल की तरफ से पथराव हुआ और इस तरफ भारत के लोगों के शरीर से लहू निकला। ये सब कुछ हो रहा है पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थित काली नदी के इलाके में। नदी के उस पार से नेपाली मजदूरों की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर किस बात की चिढ़ है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। पिथौरागढ़ के धारचूला में तटबंध का निर्माण हो रहा है। धारचूला और आसपास के गांवों की सुरक्षा के लिए तटबंध निर्माण हो रहा है। यहां काम कर रहे मजदूरों पर नेपाल की तरफ से पथराव किया गया। धारचूला के गठघोला में नेपाल की ओर से फिर से पथराव किया गया। पथराव में डंपर और जेसीबी के शीशे टूट गए। पथराव में डंपर चालक भी घायल हो गया। पथराव की घटना से तटबंध निर्माण का काम प्रभावित हुआ है। नेपाल की ओर से पत्थरबाजी की 11वीं घटना है। शुक्रवार की शाम को गठखोला में नेपाल की ओर से फिर से पथराव किया गया। यहां काम में लगी जेसीबी और डंपर के शीशे टूट गए। डंपर चालक चोटिल हो गया और इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालात यहां तक आ पहुंचे कि काम कर रहे मजदूरों सहित डंपर और जेसीबी ऑपरेटर्स को काम छोड़कर लौटना पड़ा। इससे कुछ दिन पहले ही ऐसी घटना हुई थी। उस दौरान नेपाल पुलिस को भारत नेपाल को जोड़ने वाला पुल बंद करना पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उस वक्त भी उत्तराखंड में मौजूद भारतीय नागरिकों को चोट आई। अब नेपाल की तरफ से हुए विवाद को लेकर भारत में आक्रोश है, गुस्सा है। देखना है कि अब भारत सरकार की तरफ से इस मामले में क्या कदम उठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज़।